और मैसी लुक के साथ एक और नया व्लॉग। ले गई और ये मैंने नेल्स कराए बहुत अच्छा। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये है वेइंग स्केल, ये बैग। और ना एक काम और इम्पोर्टेंट है, इंडिया क्लचर इस तरह से यू नो अगर कंघी करने का टाइम ना मिले, और ससुराल में मेरे साथ ऐसा ही होता है, बिजी हो जाती हूँ मैं बहुत ज्यादा निकलने से। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। एक और मैसी लुक के साथ एक और नया व्लॉग। आज भी है ढेर सारे काम, जिस दिन तक निकलेंगे नहीं ना ये काम चलते रहेंगे। आज जो है वो लॉन्ड्री जोरों शोरों पे है, उधर आपको मेरा एक जो है वो सूट दिख ही जाएगा, वो मैंने 30 मिनट्स की साइकिल पे वॉश किया था, और उसको फिर मैंने इस तरह के जो मेरे सूट होते हैं उनको मैं ड्रायर में नहीं डालती हूँ, तो मैं इस तरह से रेडिएटर पे थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ। पहले स्टैंड पे डाल दिए थे पूरी रात, तो वो हो गए थे ड्राई से, बट अब बिल्कुल मॉइस्चर उनका निकालने के लिए अभी मैंने थोड़ी देर रेडिएटर पे डाल दिया है, तो वो बिल्कुल ड्राई कड़क हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि मैं आयन कर पाऊंगी, टाइम मिला मुझे कल तो मैं शायद आयन कर भी लूं, लेट्स सी। बट वही है कि एवरी डे का जो है वो काम असाइन है। आज मैं लॉन्ड्री डन कर दूंगी, जो हमारे अब कपड़े निकलेंगे फिर वो मैं लॉन्ड्री बैग में ही छोड़ जाऊंगी, फिर मैं आने के बाद ही वॉश करूंगी, क्योंकि फिर वो एंड मोमेंट तक ना, क्योंकि निकलते ही रहते हैं कपड़े, फिर वो कपड़े धोने और सुखाने इन्हीं में रह जाते हैं। तो इस बार आई एम थिंकिंग कि जो एक दिन के हमारे कपड़े बचेंगे वे आर फाइन, आने के बाद मैं वॉश कर दूंगी। कुछ ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मैले वो हो जाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो गया, फिर इतने दिन के लिए हम जा भी नहीं रहे कि कुछ बहुत ज्यादा हमें टाइम लगेगा। तो यस, फिलहाल जो लोड ड्राई हो गया है वो मैं फोल्ड करके और लगा दूंगी। फिलहाल मैं और ईवी ही हैं घर पे, अद्धि और विकास गए हैं बाहर, आज गाड़ी की जो है वो सर्विसिंग होनी है, क्योंकि फिर लंदन तक हम लोग ड्राइव करके भी जाएंगे और आई थिंक टायर भी चेंज हो रहा है, तो यस गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी, दैट विल बी फाइन। और मौसम जो है ना वो आज का कभी क्लाउडी हो रहा है, आपको इवन लाइट का जो चेंज है वो दिखाई दे रहा होगा, शुरुआत में बिल्कुल ब्राइट सा था, तो कभी कभी बदली आ रही है, कभी क्लियर हो रहा है, बारिश नहीं है पर हाँ थैंक गॉड सुबह से। तो अभी मैं ये कपड़े फोल्ड करती हूँ और थोड़ा सा जो है वो मुझे मील प्लान भी करना है। जो सब्जी बची हुई थी, दो लाइक जुकीनी बची हुई थी वो, और आलू काफी सारे बचे हुए हैं, तो मैं सोचूं कि उनकी काफी सारी सब्जी बना देती हूँ जितनी कंज्यूम होगी, ठीक है, बाकी मैं फ्रीज कर दूंगी, क्योंकि आने के बाद ना फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो एटलीस्ट हमारे पास एक दो दिन का बैकअप रहेगा कि बस साथ में राइस बना लिए या रोटी बना लिए। चलिए अभी मैं फटाफट जो है वो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ दूसरे अपडेट के साथ। और भाई कुछ याद आया, ये है हमारा पुराने वाला घर जहाँ पे हमने 7 साल बिताए थे, हरा दरवाजा नंबर 10। तो गाड़ी दरी पार्क करी, एक्चुअली बाहर थोड़ा सा काम है, मन कर रहा है मैं जाऊं बट अपने आप कदम उधर को जाते हैं। ये वाली गली आपने पता नहीं कितनी बार देखी है, इसमें को मुझे आते जाते तो एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट है मेरा जो काफी टाइम से था, तो उसके लिए मैं आई हूँ, अभी आपको दिख ही जाएगा कि क्या है। तो विकास मुझे ड्रॉप करने आए हैं और फटाफट करा के काम फिर घर चलते हैं, क्योंकि इतने सारे काम है ना कि बस पूछो ही ना। सो आई एम बैक। मेरा ना नेल्स का अपॉइंटमेंट था, एक्चुअली बहुत दिनों से वाउचर आया रखा था, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली कॉल करके पूछ लिया अपॉइंटमेंट अवेलेबल था, तो फिर मैं चली गई
और ये मैंने नेल्स कराए, बहुत ज्यादा मैंने लेंथ नहीं रखी है क्योंकि ऑब्वियसली गांव जा रही हूँ, काम भी करना ही है वहां पे मुझे, तो थोड़ी सी लेंथ रखी है। बट एटलीस्ट वो है कि मुझे नेल पेंट लगाने का ना बड़ा आलस है, क्योंकि वो एक दिन तो सही रहती है, अगले दिन फिर वो चिप ऑफ शुरू हो जाती है, तो मुझे फिर वो पसंद आती है, फिर मैं उतार के रखती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती है कि बिल्कुल नेल पॉलिश नहीं लगाती है हमारी बहू, तो मैंने इस बार ये करा लिया। बिल्कुल न्यूड सी शेड रखी है, पिंकिश और मीडियम लेंथ के हैं, तो अभी एटलीस्ट उतरेगी नहीं नेल पेंट और एक दो हफ्ता हमारा निकल ही जाएगा। सब्जी जो है वो मैंने बनने के लिए रख दिया, आलू और जुकीनी की जितनी थी सारी मैंने बना दी है, तो सारे आलू कंज्यूम हो गए हैं, टमाटर भी हो गए हैं और लाइक यूज हो गए हैं, कंज्यूम तो भी नहीं हुए हैं, तो इसमें से जो आज कल हम इस्तेमाल करेंगे वो कर लेंगे, बाकी फिर मैं फ्रीज करके रख दूंगी। दही बची हुई है, कल को जो है सुबह ब्रेड बटर खा लेंगे, दोपहर को हम लोग खिचड़ी खा लेंगे और उसके बाद दोपहर बाद फिर हमें निकलना ही है। और यहाँ पे जो है दही बची हुई है, तो थोड़ी सी बस खिचड़ी के लिए दही बचा के बाकी की मैं लस्सी बना रही हूँ अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल गए ना, तो बस अब मैं लस्सी बना रही हूँ यहाँ पे और लस्सी पी लेंगे। थोड़ा लेट ही हो गया है तो इतना ही हमारा बस ब्रेकफास्ट हो जाएगा लस्सी वाला, और इनकी थोड़ी सी बस मैं ये बचा लूंगी। तो लस्सी, थोड़ा सा दूध, और बिल्कुल डार्क हो गया बाहर ना, फिर अंधेरा हो गया, लाइट मैंने जलाई नहीं है, तो चलो लस्सी बनाते हैं फटाफट। इसमें दूध डाल लूंगी, थोड़ी सी शुगर ऐड करूंगी और थोड़ा सा ना मैं रूह अफ़ज़ा ऐड करती हूँ, तो मुझे वो पसंद आता है, और यस हम सब की हो जाएगी लस्सी। सो यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ बैग, बैग्स की जो बेल्ट है वो भी हमने निकाल दी है, कुछ एक चीजें हैं जो अभी पैक करनी बाकी हैं, और ये डायपर बैग है, इसमें मेरा लैपटॉप भी आएगा। अद्वी का बैग यहाँ पे है, ये एक अलग से जूट का बैग रखा हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का हम सामान रखेंगे, और जो बैग कंप्लीट है कि अब उनमें छेड़ा छाड़ी कुछ नहीं करनी है, वो है ये अद्वी के रूम में रखे हुए हैं तीन बैग हमारे, तो कुछ पांच बैग के करीब हम लेके जा रहे हैं। और यस, और हाँ इसको मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, ये मुझे पैक करना है। ये क्या है, मैंने आपको अपने जनवरी फेवरेट्स वाले वीडियो में भी दिखाया था क्लचर, इस तरह से यू नो अगर कंघी करने का टाइम ना मिले, और ससुराल में मेरे साथ ऐसा ही होता है, बिजी हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, तो ये ना लगा लो तो ठीक लगता है, सही रहता है, तो ये हाँ मैं पैक कर लूँगी। तो सारा सामान जो है वो एक जगह गैदर कर दिया है, तो ये हमारे बैग्स हैं सारे के सारे। और ना एक काम और इम्पॉर्टेंट है इंडिया निकलने से पहले, मैंने आपको बताया था ना कि सिया फैशन ने मुझे एक साथ काफ़ी सारे आउटफिट भेजे थे, ऑलमोस्ट सभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन दो अभी भी बाकी हैं। इंडिया जाके फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इस तरह की कोई भी वीडियो करने का, तो दो आउटफिट हैं, कोड सेट हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, अभी समर के लिए अप्रोप्रिएट हैं। एंड सॉरी लाइटिंग का ना थोड़ा सा यू नो एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि बाहर कभी धूप कभी छाँव ऐसी हो रही है, और मैं बैठी थी इधर बिल्कुल खिड़की के सामने कि रोशनी अच्छे से आएगी, बट यस आई नीड टू फिनिश इट, क्योंकि नीचे बच्चे जो हैं वो शोर मचा रहे हैं। सिया फैशन जो है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है क्लोथिंग की, जिसमें आपको लेडीज जेंट्स किड्स सभी के कपड़े मिल जाते हैं, ट्रेडिशनल वेस्टर्न, और इंडिया में जो है इनकी शिपिंग फ्री है, सीओडी भी अवेलेबल है, और इंटरनेशनल शिपिंग अगर आपका ऑर्डर $249 से ऊपर का है तो आपको फ्री में मिल जाती है। और यस कस्टमाइज स्टिचिंग सारी चीज़ें हैं, मैं हर बार ही बताती हूँ, आप चाहे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। तो चलिए सबसे पहला मैं आउटफिट आपको दिखाती हूँ, ये कोट सेट है, और यू नो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनकी मेरी तरह से टमी है। अभी देखो कितनी ब्राइट लाइट आ गई है, मस्त हो गया, क्योंकि अब मैं आउटफिट दिखाने वाली हूँ ना, तो इस तरह से है ये, और मल कॉटन जो कपड़ा होता है ये वो वाला कपड़ा है,
और पहन के आई होप कि ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं ट्राई ऑन ऑब्वियसली रिकॉर्ड करूंगी, नॉट श्योर कि कब कर पाऊंगी, आज या कल, बट जब भी करूंगी मैं यहाँ साइड में डाल दूंगी तो आपको दिख ही जाएगा। तो इस तरह से कॉलर वाला है ये और क्वार्टर इसकी स्लीव्स हैं और मल्टीपल डिजाइन वाला जो ये प्रिंट होता है ना, इस तरह की साड़ी एक बार बहुत ज्यादा चली थी तो ये उस तरह का है और काइंड ऑफ चोली कट है ये, बहुत सुंदर है। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरीके का है ये मॉडल ने जो पहना हुआ है, बाकी जब मैं पहनूंगी तो मैं भी इधर डाल दूंगी। और उसके नीचे ये आपको मिल जाती है ये लहरिया वाली, राइट, स्ट्रेट लाइंस, या लहरिया नहीं बोलूंगी, स्ट्रेट लाइंस वाली पैंट है और पीछे जो है वो इलास्टिक लगी हुई है और आगे जो है वो इसमें बेल्ट है और इसमें आपको पॉकेट भी मिल जाती है। तो पहला आउटफिट है ये और सही है गर्मियों के हिसाब से। और इसके अंदर ना आई थिंक हाँ ये डबल भी है, तो वो ऐसा भी नहीं कि कुछ ट्रांसपेरेंट वाला, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो डबल है तो कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। हाँ नीचे वाला जो है वो है, बट वहां पे फिर आपकी ये बॉटम आ ही जाती है तो आपको लेयरिंग मिल जाती है, तो इट इज गुड वन। कलर बहुत प्रिटी है, आई डोंट नो कि कैसा आ रहा है, लाइट बार बार चेंज हो रही है, बट फॉर मी इट इज गुड समरी कलेक्शन। तो एक ही आउटफिट है, दूसरा एक ये है, इसके अंदर पेपर वेपर भी लगा हुआ है, मैंने खोले भी नहीं अब तक। और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल, ये कॉटन में है, ब्लू कलर का है ये और ये ऑलमोस्ट सेम सा ही कलर आया, इस तरह से इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है। फुल स्लीव्स का है, बेल स्लीव्स जो होती हैं कुछ उस तरह की है, जो फ्रंट में वो चुन्नट पड़ी होती है ना उस तरह का है ये, और यहाँ पे भी है इसमें जो शोल्डर पे पूफ होता है वो वाला भी है। और इस तरह से वही चोली कट जो होता है ना उस तरह का, टमी हाइट करने के लिए। और इसकी पैंट भी मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी नीचे गिर गई थी, और ये है इसकी पैंट इस तरह से, इसमें भी वही पीछे इलास्टिक लगी हुई है और आगे की तरफ जो है वो ऐसे बेल्ट है, फुल लेंथ है और नीचे की तरफ इसमें इस तरह से ना ये बटन लगे हुए हैं, तो प्यारा सा डिजाइन है ये। कलर बहुत प्रिटी है, मेरे पास इस तरह का एक टॉप भी है, शायद अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी वीडियो में पहना भी था, आपने देखा हो, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये सेट है, आई रियली लव्ड इट। तो यस, ये दो सेट है, ट्राई ऑन पार्ट आपको दिख ही जाएगा, कुछ भी इनमें से पसंद आया हो आपको तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। और बाकी इनकी कलेक्शन जो है वो काफी सारी है। तो यस, अब मैं फटाफट भागती हूँ नीचे क्योंकि काम और भी ढेर सारे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये है वेइंग स्केल, ये बैग्स के लिए ही आता है। एक बार क्या हुआ था ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोगों को उन्होंने बोला कि आपके बैग्स का वेट ज़्यादा है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, हालांकि हम घर से वेट करके आए थे, बट तब हमने गलती ये करी थी कि हम वेइंग स्केल साथ नहीं लेके चलते थे, बट अब हम साथ लेके चलते हैं। छोटा सा है ये, किसी भी बैग की हम जेब में इसको डाल लेते हैं, इसमें वेट कर लेते हैं, इनकेस अगर एयरपोर्ट पे कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप साथ के साथ उनको मेजर करके बता दो तो कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता है। और ये ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन भी अवेलेबल है और हर सुपरमार्केट में भी आपको मिल ही जाएगा, आई थिंक हम लोग BNQ से ये लेकर आए थे। तो यस, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अबाउट टू फ्लाई। और जिस दिन हम लोग निकलेंगे ना, फिर मैं ये सारी चीजें भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं आज आपको ये सारी चीजें दिखा रही हूँ। तो जी चलिए, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अभी मुझे जो है वो एडिटिंग भी करनी है। हर बार आप बोलते हो कि दीपिका बड़े पुराने पुराने व्लॉग्स दिखाती हो, तो इस बार ताजे ताजे मैं आपको सर्व करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। और बस वही है कि जो भी सुबह से शाम तक मैं कर रही हूँ इन बिजी डेज में, छोटे छोटे बिट्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगा। और जो कुछ हम फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा हाँ, आने से पहले जो है वो सारे स्विच जो है वो ऑफ करके हम लोग निकलते हैं, फ्रिज जो है वो 1 की सेटिंग पे करके निकलते हैं हम लोग,
और यस हीटिंग जो है वो एक घंटे के लिए हमारी ऑन रहती है स्टिल, अदरवाइज घर में ना फिर वो स्मेल सी होने लगती है, तो इसीलिए भले ही समर है हम लोग एक घंटे की हीटिंग जरूर चलाते हैं। और फिर टॉवल रेडिएटर होता है ना, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ती है क्योंकि टॉवल उसके ऊपर गीला जाता है, तो वो एक घंटे की हमारी चलती ही चलती है। और यस और भी कुछ है क्या साहब, क्योंकि निकलते टाइम ना फिर मैं भूल जाती हूँ सारी चीजें बतानी, फिर कमेंट आते हैं फिर रिप्लाई भी नहीं हो पाता। बहुत कुछ है, सब हो जाएगा सब हो जाएगा, मतलब बस वही है कि एक दिन ना सब सही हो जाएगा और उस एक दिन के इंतजार में है कि सब सही हो जाएगा, तो हो जाएगा मैनेज, सब हो जाएगा, सब फंस जाएगा, करवा देंगे जब निकलने की बारी आएगी। तो यस यही कुछ चीजें थी जो हम करके जाते हैं, बाकी प्लांट्स वगैरह की तो टेक केयर हो ही जाएगी। और यस इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ भी पसंद आए तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।